दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ ये हमारे एक होमगार्ड हैं उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ पे क्वारंटाइन वाली सील लगी हुई है और वो भी वहाँ मार्टिन ब्रिज के वहाँ जाता हुआ उसको मिला था उसे सूचना दी तो वहाँ आकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिलीप सन ऑफ अशोक बताया है। वो 21 वर्ष का बड़ोदरा का रहने वाला है। उसकी जांच के लिए हमने CHMO साहब का ऑफिस फ़ोन किया था तो वहाँ से पाल बिचला से टीम आई थी। उन्होंने उसको जांच करने के बाद वापस एक बार तो जेल में ले जाने के लिए बोल दिया था। फिर काफ़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं आई तो हमने उनको आगे बात की तो उन्होंने बताया कि इसको GCA ले जाओ। जब हम GCA ले गए तो GCA डॉक्टर साहब ने उसके डॉक्यूमेंट तसल्लीपूर्वक चेक किए और GCA जो डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद बताया कि ये जो दयानंद छात्रावास है वहाँ से है ये और वहीं से इसको जवाहरलाल नेहरू जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया था और अभी डिस्चार्ज हुआ है। तो फिर हम इसको दयानंद कॉलेज ले गए और वहाँ उसको हमने जमा कराया है और वहाँ उसका परिवार भी वहीं है। पूर्व में वो वहीं रह रहा था और वहाँ से उसको तबीयत ख़राब होने पर जवाहरलाल नेहरू जो अस्पताल है वहाँ ले गए थे वहाँ से डिस्चार्ज होने पर ये वापस वहाँ अपने DAV जा रहा था। ये बड़ोदरा का रहने वाला है जायरीन है और ये जब लॉकडाउन हुआ तब से ही अलग अलग शेल्टरों में भी रह रहे हैं। Yeah, I mean.